प्रगतिशील किसान बना हरियाणा किसान। प्राकृतिक खेती के जरिए लाखों की कमाई, सूक्ष्म सिंचाई के जरिए जल संरक्षण का संदेश, हरियाणा सरकार की मदद, खेती से मालामाल होता किसान। किसी भी देश के लिए कृषि का बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है, खासतौर पर उसके विकास के नजरिए से और दो वक्त की रोटी के नजरिए से भी। भारत देश वो देश है जब एक समय में कृषि के नजरिए से यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे मेहनतकश किसान ने अपने खून पसीने से न सिर्फ हालात को बदला बल्कि देश को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज भारत दूसरे देशों के लिए अनाज की कमी को पूरा कर रहा है। देश के हर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, यही कारण है कि हर राज्य की खेती के नजरिए से अलग पहचान है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आज का किसान तकनीक और वक्त के हिसाब से काफी अपडेट है। यही कारण है कि यहाँ दिन ब दिन किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। आज का समय वो समय है जब खेती की बजाय नौकरी घाटे का सौदा प्रतीत होती है और युवा भी प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। नौकरी अच्छी हो तो खेती किसानी के बारे में भला कौन सोचता है, लेकिन बदलाव के इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिद और जज्बे के चलते नहीं रहा पकड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने ऐसी कई खबरों के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि किसी ने इंजीनियर की नौकरी तो किसी ने गूगल की नौकरी छोड़कर किसानी शुरू कर दी। लेकिन एक ऐसे प्रगतिशील किसान भी हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग कर खेती कर रहे हैं और लाखों में कमा रहे हैं। करनाल जिले के गाँव छपरियों के प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार जो आज दूसरे युवाओं के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। सर, मैं पहले हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस करता था, नौकरी मेरी अच्छी थी, 40-45 हज़ार रुपये पर महीना लेता था मैं, और सरकारी जॉब में काम करते करते मैं अपनी पुश्तैनी जमीन तो हमारे पास थी ही, तो मेरा दिल में विचार आया क्यों ना मैं भी थोड़ा पारंपरिक खेती से हट के संरक्षित खेती या आधुनिक खेती की तरफ जाऊँ। तब मैंने संरक्षित खेती का निर्णय लिया, मैंने एक नेट हाउस लगाया। खीरे की खेती कर रहे मुकेश ने बताया कि उन्होंने 2 वर्ष पहले ही एक नेट हाउस से अपना ये काम शुरू किया और आज उनके पास तकरीबन 4 के करीब नेट हाउस हैं और आगे 2 और नेट हाउस लगाने के बारे में वो सोच रहे हैं। प्रगतिशील किसान मुकेश ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में अच्छा मुनाफा कमाया और वो इसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो गए। आज न सिर्फ अच्छा कमा रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। पहले साल जब मैंने लगाया तो मेरे को काफी अच्छा मुनाफा इसमें हुआ, ठीक है सर। तब मैंने फिर आज मेरे पास 4 नेट हाउस है, मैं 2-3 साल से इसमें ही इन्वॉल्व हूँ। अब मेरे पास कम से कम 15-20 और लेडीज काम करती हैं या फैमिली है जो मेरे पास ही रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनका भी अच्छे से गुजारा चल रहा है। जहाँ एक तरफ युवा किसान ने अपनी 45,000 रुपए की सरकारी नौकरी छोड़ नेट हाउस में खीरे की खेती करना शुरू किया और संरक्षित खेती का काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। गर्मी के मौसम में अधिकतर खीरे की डिमांड बढ़ जाती है, किसान इस खीरे को दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, यहाँ पर इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। अगर इस समय के रेट की बात करें तो 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खीरे का रेट चल रहा है। अगर इसमें खर्च की बात की जाए तो एक नेट हाउस पर 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च कर 2 लाख रुपए हर नेट हाउस में किसान को बचत हो रही है, यानी 4 नेट हाउस से 8 लाख रुपए की बचत हुई। उनको अधिक मुनाफा तो हुआ ही है, उसी के साथ संरक्षक खेती कर और लोगों को रोजगार भी दिया है। संरक्षक खेती का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसमें पानी की काफी ज्यादा बचत होती है, क्योंकि इसमें पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुंचता है जितनी उसको आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। जितनी खुराक है उसकी आवश्यकता होती है उतनी ही मिल जाती है। इस समय किसान के खेत में देखरेख का कार्य चल रहा है और तुड़ाई भी हो रही है। खीरा विभिन्न मौसम के लिए उपलब्ध किस्मों के अनुसार पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। 2 उठी हुई बेड्स के बीच में दूरी 4 फीट हो तथा इसको एक ही कतार पर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोते हैं। खीरे के पौधों को एक प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लपेटकर ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया से
प्लास्टिक की रस्सियों को एक सिरे की पौधों के आधार से तथा दूसरे सिरे को ग्रीन हाउस में क्यारियों के ऊपर 9 से 10 फीट ऊपर लोहे के तारों में बांध देते हैं और अंत में जब पौधा उस तार के बराबर जिस तार पर रस्सी का दूसरा सिरा बंधा होता है तो पौधा नीचे की ओर चलने लगता है और साथ साथ विभिन्न दिशाओं में निकली शाखाओं के निरंतर काट छांट करते रहें। कटाई छटाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमने किस किस्म को उगाया है। पौधों की उर्वरक व जल की मात्रा मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करती है। आमतौर पर गर्मी में प्रतिदिन और सर्दी में 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी दिया जाता है। उर्वरक पानी के साथ मिलाकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा दिए जाते हैं। बुआई के 40 दिन बाद फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो मैं इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद अपने जब मैंने नेट हाउस लगाया और मैंने अच्छा मुनाफा इसमें होया तब मेरा रुझान की तरफ ज्यादा बढ़ा और इसको देखते हुए मैंने पहले एक लगाया, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, अब मेरा भी चार, अभी मैं 2 नेट हाउस और आगे लगाऊं। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार ने बताया कि अगर इसमें सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा उन्हें सबसे पहले 65% की सब्सिडी मिली थी। हालांकि अब उस सब्सिडी को 50% कर दिया गया है, मगर इसके बाद भी काफी अच्छा काम चल रहा है और मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। अगर और युवाओं की बात करें तो उनको सबसे पहले नेट हाउस के बारे में जानना पड़ेगा। ड्रिप सिंचाई क्या होती है, खाद पानी हमें किस प्रकार देना है, इसकी सटीक जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर किसान भाई इस तरफ आना चाहते हैं तो वो इसके बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं जहां से उनको अच्छी तरह से जानकारी मिल सकेगी। तो सर पहले तो आप इसका जो है मैं इसका जो पहले तो इसके बीज की क्वालिटी जो अच्छी होगी वही लगाना चाहिए। और मैं किसी कंपनी का तो मैं करता नहीं हूँ भाई, इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं रिजगवान के सीड लगाता हूँ, बेस्ट क्वालिटी के ही सीड है रिजगवान के। और अब आप अच्छा सीड लगाए तो मुनाफा भी आपको अच्छा ही होगा। इसमें खाद पानी किस प्रकार देते हैं? खाद सारा NPK चलते हैं, ड्रिप के द्वारा चलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई से होती है टपक विधि से। और जितना भी खाद अपना जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से दिया जाता है डेली का। और फायदा क्या है सूक्ष्म सिंचाई का? सूक्ष्म सिंचाई का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके 80 से 90% आपका जल की बचत होगी। फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उससे 80% आप जल बचा सकते हैं। अभी क्या कुछ कार्य चल रहा है? अभी तो सर फल की तुड़ाई है, अभी तो और कुछ नहीं, अभी तो मार्केट का ही देख रहे हैं। मार्केट में क्या रेट जा रहा है? मार्केट का सर अभी 15-16 के आसपास रेट चल रहा है। अगर बात की जाए आपका खर्चा कितना है और बचत कितनी हो चुकी है? जो मैंने अभी तक इस नेट हाउस पे खर्चा किया था, एक नेट हाउस पे मेरा लगाने के बाद जो क्रॉप पे मेरा खर्चा आता है वो 2.5 से 3 लाख के करीब खर्चा आता है। तो मैंने अपना खर्चा कवर करके अब तक 2-2 लाख रुपए इसमें से अर्न कर लिया है खर्चा निकाल के। सब्सिडी भी मिली है कोई? सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से 65% सब्सिडी थी फर्स्ट ईयर और अब के साल 50% थोड़ा 15% सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी वापस ले लिया है और अब 50% सब्सिडी है। बिल्कुल फायदा है। मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूंगा कि आप सुरक्षित खेती की तरफ जाएं। किसान सदियों से परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूं आदि की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक खेती की निर्भरता मौसम पर अधिक रहती है। नुकसान का भी खतरा मंडराता रहता है। कुछ सालों से खेती में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से कृषि क्षेत्र में किसानों को चिंता सताने लगी थी, लेकिन इसी बीच हरियाणा सरकार किसानों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई। ऐसे हालात से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जिसकी बदौलत अब प्रदेश के प्रगतिशील किसान पूरे देश के सामने आय बढ़ाने का नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार खीरे की इस फसल से पानी की बचत करने का भी संदेश और किसानों को दे रहे हैं। जल संरक्षण के मकसद से ही हरियाणा में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है। हरियाणा में आज के समय में हजारों की संख्या में मुकेश कुमार जैसे किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आकर खड़े हो गए हैं और वो तमाम किसानों को प्राकृतिक खेती करने का संदेश भी दे रहे हैं।